जी आप लोग। ये तो चालू है, अभी आ रही। देखिए आप लोग अभी आ रही होगी, प्लीज वॉइस ओके, अभी चेक करके बताइए जल्दी आ रही होगी। अभी आ रही होगी, चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्लीमेंट्स की। सर ये दूसरा दीजिए अपना वाला का। इम्प्लीमेंट्स की जो फार्म पे कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं, और हम इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होता है? सर वॉइस नहीं आ रही, अभी जल्दी कमेंट करके बताइए आ रही है नहीं आ रही। स्टेप बाय स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम इंजीनियरिंग से अगर बात करते हैं तो किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा? प्राइमरी टीलेज कौन सी होती है और सेकेंडरी टीलेज कौन सी होती हैं? बिल्कुल ठीक है ना। तो हम बात करें प्राइमरी टीलेज में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, ये कह सकते हैं इम्प्लीमेंट या जो कल्टिवेटर हैरो वगैरह कौन से वाले पार्ट्स प्राइमरी में किए जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। चाहे किसी भी हम एग्ज़ाम की बात करें, स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है जो देखने को मिलता है। तो चलिए उसके बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं, और हम उसी के बेसिस पे फर्स्ट प्राइमरी हो गया, उसके बाद में सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी में कौन कौन से वर्क आते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, और पर्टिकुलर टाइम में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उस टाइम पे कौन कौन से टर्म वहाँ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से आएगा, और आप लोग इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए फर्स्ट अगर हम टर्म की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ बात डिस्कस करने जा रहे हैं टीलेज की, टीलेज के कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, तो नो डाउट सबसे पहले टीलेज क्या होता है और टिल्ट क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टीलेज क्या होता है, यहाँ टू टर्म आपको दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट टर्म तो दिखाई दे रहा होगा टीलेज, फर्स्ट टर्म है टीलेज और सेकेंड टर्म दिखाई दे रहा होगा टिल्ट। पहले तो इन दोनों का मतलब क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे अगर बात की जाए, सबसे पहले जो प्रोसेस है वो कौन सा होता है, टीलेज, और सेकंड जो प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं कह सकते उसको, जो स्टेबिलिटी है, जो कंडीशन है, या नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो टिल्ट की आती है। टीलेज में क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग होती है। कौन सी प्रोसेसिंग होती है, हम लैंड को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, या उसको ये कह सकते हैं कल्टिवेट करते हैं, या ये कह सकते हैं उसको प्रॉपर एक फेवरेबल कंडीशन में मेंटेन करते हैं, जिसमें हम प्लांट ग्रो कर सके, सीड सोविंग कर सके। तो सीड सोविंग के जो पहले की स्टेज होती है, जिस कंडीशन में हम लोग सीड सोविंग करने जा रहे हैं, इसको पहले वर्बली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे कौन सी चीज़ है, प्राइमरी टीलेज और सेकेंडरी टीलेज की, तो अगर उनके बारे में डिस्कशन सबसे पहले वर्बली वो कर लेते हैं। तो प्राइमरी टीलेज में क्या होता है, जो हम लोगों को क्या करना होगा, सीड के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, या ये कह सकते हैं हम प्लांटिंग, दो चीज़ होती है एग्रीकल्चर में, या तो हम प्लांट सो करते हैं, प्लांट सोविंग करते हैं, गड्ढे बनाकर प्लांट सोविंग करते हैं, या अगर कहीं भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ बताइएगा, हम डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं हर चीज़ को, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही पार्ट हम यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो बात की जाए, हमें क्या करना है, या तो प्लांटिंग करनी है, और या क्या करना है, सीड सोविंग करनी है। तो प्लांटिंग और सीड सोविंग के लिए बेड तैयार करना, उस तैयार करने से जो उससे पहले वाली जो प्रोसेस है तैयार हो गया, तब तक का प्रोसेस को हम किस में रखते हैं, गुड इवनिंग निशा, गुड इवनिंग। तो उससे पहले वाला जो पार्ट है उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, प्राइमरी टीलेज में, जिससे लेकर जहां हमने प्रिपेयर कर लिया, बेड प्रिपेयर कर ली, उस बेड में सीड डालने से लेकर और जो लास्ट तक की प्रोसेस है जिसमें वीडिंग वगैरह होगी, वो सेकेंडरी टीलेज में इंक्लूड होगी। समझ में आएगा, फिर से हम दूसरे वे में इसको समझाते हैं। प्राइमरी टीलेज में कब तक होता है, जिसमें आप लोग मानते हो हैरो किया जाता है, हैरो करने के बाद में उसको लेवल कर दिया जाएगा। अभी किसके लिए तैयार होगी, या तो हमें डायरेक्टली अब क्या, कल्टीवेटर जो अपने पास में होता है, जो हल होता है ट्रैक्टर के पीछे, उससे, या एनिमल से जो यूज़ करते हैं हल वगैरह, उससे सोविंग करवा दी जाती है। सोविंग करवाने वाले जो प्रोसेस होती है, उससे पहले वाले जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी होंगी, सोइल को ओपन करना, या उसको क्या करना, लेवल करना, ओपन वगैरह एकदम क्लियर करना, उसको एक फेवरेबल कंडीशन बनाना कि हाँ अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम सोविंग कर सकते हैं। फिर सोविंग से लेकर सीड डाल दिया हमने, सीड डालने से लेकर, चाहे फर्टिलाइजर उसमें साथ में डाला है, या फिर सिंगल सीड डाला है, या हमने क्या किया है, पिट करके, गड्ढा करके प्लांट वहाँ पर
शो किया है, वहाँ से लेकर जो भी वीडिंग वगैरह होती है एंडिंग, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता तब तक जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सेकेंडरी टीलेज में आती हैं। यहाँ पे हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं या हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्राइमरी टीलेज के सबसे पहले आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, यहीं देखने को मिलेगा। प्राइमरी टीलेज के कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है इम्प्लीमेंट्स हैं वो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, विद पिक्चर डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं सुपरवाइजर के लेवल में भी, सबसे पहले तो ये क्लियर है कि सुपरवाइजर में ये वाला पार्ट नहीं आता। कौन सा? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने सिलेबस की बात ना करके मैं अगर बुक्स की बात करूं तो बुक्स में ये वाला पार्ट है कि कौन कौन से हल यूज़ किए जाते हैं, देसी हल कौन सा होता है, कल्टीवेटर कौन सा होता है, इतना सा पार्ट है। थ्रेसिंग के क्या काम होते हैं या पंखे वगैरह, मोटर वगैरह, तो एक दो पार्ट्स वो हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर कोई यहाँ पर सुपरवाइजर वाला है तो वो भी देख सकता है। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? प्राइमरी और सेकेंडरी में समझ में आया? कमेंट करके बताइए प्लीज़, जल्दी कमेंट कीजिए। और अगर समझ में आ रहा तो फिर चैनल को लाइक कीजिए ना, वीडियो को लाइक करके कंटिन्यू दे रही। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे टीलेज, देखिए कंप्लीट प्राइमरी फिर से हम समझेंगे, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ डोंट वरी। हम बात कर लेते हैं टिल्ट की। टिल्ट में क्या प्रोसेस होती है? द मैकेनिकल प्रैक्टिस। मैकेनिकल प्रैक्टिस का मतलब, जहाँ यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो जिस तरह मैं बोलूँगा वो अपने ही लैंग्वेज में या नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत सी बार मैंने देखा है। आ गया, बिल्कुल, चलिए ठीक है। अगर मैकेनिकल प्रोसेस जो ये कह सकते हैं इंग्लिश में, किसी को सॉरी इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी लैंग्वेज में वो टर्म वहाँ यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, डेफिनेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। मैं इसके साथ में भी हिंदी की डेफिनेशन भी बोलने वाला हूँ। द मैकेनिकल प्रैक्टिस ऑफ मॉडिफाइंग ऑफ सॉइल। किसको मॉडिफाई किया जा रहा है? सॉइल को मॉडिफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है। क्यों? यहाँ पे फेवरेट या क्या कराई जाती है, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। किसके लिए? गुड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। हमारा टारगेट ही क्या रहता है? गुड क्रॉप प्रोडक्शन। क्या लगता है यहाँ कोई ऑनलाइन है कि नहीं? क्या कोई मैसेज ही नहीं आ रहे? तो किस बात की जाए, हमारा टारगेट क्या रहता है? गुड क्रॉप प्रोडक्शन। तो गुड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस क्रॉप के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है? कल्टीवेशन की जाती है, टीलेज की जाती हैं। हमें कौन सी क्रॉप लेनी है तो डिफरेंट क्रॉप के, किसी क्रॉप को ज़्यादा टीलेज की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को कम होती है। तो उस बेसिस पे जो कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, प्रॉपर रूट सिस्टम डेवलप हो सके उसके लिए जो इन्वायरमेंट या फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? टीलेज कहा जाता है। और टीलेज का अगर मोटा मोटा अगर बात करें, जुताई को ही हम क्या कहते हैं? टीलेज। जो प्रोसेस होती है वहाँ पे, प्रोसेस कौन सी होती है? ट्रैक्टर जिस पे चलता है, हल वगैरह चल रहे हैं, उन सब प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टीलेज कहा जाता है। वेरी गुड। इस तरह कमेंट करते रहोगे तो फिर भी मुझे लगेगा कोई तो सुन रहा है मुझे, अदरवाइज लगता नहीं है कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, फालतू में ही मैं बोले जा रहा हूँ। ज्योति, गुड इवनिंग ज्योति, आज भी आप सही लेट हो, सैटरडे को भी लेट थे। तो ये प्रोसेस समझ में आया, टीलेज क्या होता है? जो ऑल प्रैक्टिसेस, जो सभी प्रैक्टिस किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? सोयल को ओपन करने के लिए, जो आपस में क्रॉप लेने के बाद में सोयल क्या होती है? बैठ जाती है, चिपकी रहती है, हार्ड रहती है। उस हार्डपन को तोड़ने के लिए प्रैक्टिस क्या करते हैं? हैरो या प्लाविंग जो करते हैं, प्लाविंग जो प्रोसेस की जाती है वो किसके लिए की जाती है? सोयल को तोड़ने के लिए, बिखेरने के लिए, क्योंकि अब उसमें रूट सिस्टम जो होता है, जड़ें होती है प्लांट की, वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके। इस कैटेगरी को क्या कहते हैं? टिलेज कहते हैं। अब देखिए टिलेज करने के बाद में, टिलेज प्रोसेस के बाद में, टिलेज कोई बात नहीं, अब टाइम पे मैं भी लेट ही हूँ आज 5 मिनट के लिए, तो वैसे तो मुझे भी सॉरी कहना चाहिए जो लोग वेट कर रहे थे मेरा। तो जो प्रोसेस होने के बाद में अब सोयल क्या होगी? फेवरेबल होगी, अच्छी होगी, जैसे कह सकते हैं भुरभुरी हो गई अब, या किसी भी प्लांट के लिए सीड सोविंग के लिए अब क्या हो गई? तैयार हो गई। ICR में कितने क्वेश्चन आते हैं? किस लेवल की बात कर रहे हो बेटा? अभी से किस लेवल की बात कर रहे हो आप? 12th के बाद की बात कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद की बात कर रहे हो? क्योंकि ICR दोनों टाइप का एग्जाम्स लेता है। ICR फर्स्ट की, अगर हम आप ICR की बात कर रहे हो, वहाँ SRF JRF वाला बात, तो इसमें एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी वही वाला पार्ट उस सिलेबस देखिए प्लीज़, उसमें आप सिलेबस में कौन कौन से पार्ट है वही पर्टिकुलर पार्ट आते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम लगती है ना, ग्रेजुएशन में एंट्रेंस के लिए, किसी भी कॉलेज में एंट्रेंस के लिए, वहाँ पे एक आधा क्वेश्चन ही इंजीनियरिंग में जो देखने को मिलेगा,
उसके बाद में आप जब कॉलेज में चले जाएंगे तो ये एक ब्रॉड लेवल पे है, 2-3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं आपकी AO, AA या बैंकिंग सेक्टर की एग्ज़ाम्स की बात करें या अदर किसी फील्ड की बात करें तो वहाँ पे कितने अराउंड 10% तो आपको देखने को मिलेगा, 5-10% तो देखने को मिलता है क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन क्राइटेरिया रहता है, चाहे 60 क्वेश्चन आए चाहे 100 क्वेश्चन आए। तो हम यहाँ पे परसेंटेज की बात करें, 5-10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम बात कर लेते हैं जो टिल्ट मतलब सोयल अब एकदम फेवरेबल होगी, अच्छी होगी किसके लिए, सीड सोविंग के लिए, उसको कहा क्या कहा जाता है टिल्ट। तो ये कह सकते हैं सोयल अच्छी होगी, अब क्या कर सकते हैं इसमें सोविंग कर सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, ये एक टिल्ट कैसा है, अच्छा टिल्ट है, या फिर ये बोलेंगे नहीं भैया आप एक और इसमें कल्टीवेट कीजिए, या आप एक बार ये हैरो चलाइए या फिर प्लाऊ का यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी भी सोयल क्या है, हार्ड है, तब तक उसको नहीं बोला जाता कि गुड टिल्ट है। तो समझ में आया 12th के बाद, हाँ ICR 12th के बाद में, तो एक आधा क्वेश्चन उसमें हल वगैरह में देखने को मिल सकता है, बाकी आप देखिएगा उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं सिलेबस में ICR के में, तो उसी टॉपिक्स को आपको कंसीडर करना है। नॉलेज के लिए आप अभी से एवरीडे यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे तो इसको फेस करना ही करना पड़ेगा, उसके बाद में जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं तब भी फेस करना पड़ेगा, तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टिल्ट, तो फिजिकल कंडीशन ऑफ सोयल, जो सोयल की फिजिकल कंडीशन कैसी होगी, अब अच्छी होगी तो उसको क्या कहते हैं, JRF का पूरा सिलेबस करवा दोगे, कंप्लीट सिलेबस ही तो हो रहा है भाई यहाँ पे। भविष्य राष्ट्रपति जी प्रणाम आपको, हाँ यहाँ पे वही काम हो रहा है, कंप्लीट ही करवाया जा रहा है। फेवरेबल फॉर क्रॉप ग्रोथ के लिए, क्रॉप ग्रोथ के लिए क्या करवाया दिया जाता है, फेवरेबल सोयल को बना दिया जाता है, उसकी कंडीशन को, या कह सकते हैं कि किसी भी या सोयल की फिजिकल कंडीशन को प्रॉपर तैयार करना, उसको अच्छी करना, जिसमें अच्छी क्रॉप ली जा सके, उसको क्या कहा जाता है, टिल्ट कहा जाता है। आई होप समझ में आया। अब हम बात करते हैं प्राइमरी टिलेज, प्राइमरी टिलेज में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, लखीमपुर खैरी से, वेरी गुड, अभी से कहाँ से है, लखीमपुर खैरी से हैं, वह कहाँ कहाँ से पढ़ रहे, अच्छी बात है, अच्छा लगा आपको दिखकर, क्यों चेक। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी टिलेज की, एक बात मैं बताना चाहूँगा, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी टिलेज, इनमें से प्राइमरी टिलेज है, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ये कह सकता है हैरो या प्लाऊ प्राइमरी के लिए यूज़ किया जाता है, इनमें से कौन सा सेकेंडरी के लिए यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, हर एग्ज़ाम में, जिसमें कौन सी वाली एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद वाली एग्ज़ाम में, तो यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, और यहाँ पे क्वेश्चन बनाने को है भी बहुत अच्छा खासा, या ये कह सकते हैं ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ गौर कीजिए। प्राइमरी टिलेज में कौन कौन से टिलेज होते हैं, ऑल इनिशियल सोयल वर्किंग ऑपरेशन, ये समझ गए। टू किसके लिए, टू मेक फेवरेबल कंडीशन फॉर प्लांटिंग एंड सोविंग ऑफ सीड, एक या तो करते हैं प्लांटिंग करते हैं, पहले नर्सरी में प्लांट बोया, उसके बाद में जर्मिनेट होने के बाद में सीडलिंग को क्या करवा दिया जाता है, फील्ड में लगा दिया जाता है। हम बात करते हैं या सोविंग ऑफ सीड या फिर क्या करते हैं सोविंग ऑफ सीड, इसमें कौन सी कैटेगरी को रखा जाता है, प्लाउइंग, आप लोगों ने देखा होगा प्लाऊ को देखा होगा, तो प्लाऊ से जो भी किए जाने वाली एक्टिविटीज़ कंप्लीट एक्टिविटीज़ हैं वो किस में आएंगी, प्राइमरी टिलेज में आएंगी। और कौन कौन से प्लाऊ होते हैं, अगर किसी टर्म के आगे आपको लग जाए प्लाऊ, अगर ये लगा हुआ दिखे प्लाऊ किसी भी इंस्ट्रूमेंट के आगे, तो वहाँ पे क्या दोगे आप, ये प्राइमरी टिलेज है। ये IBPS में कंटिन्यू 2 साल से आपको देखने को मिल जाएगा, कंटिन्यू ये क्वेश्चन मिलेगा इस वाले पार्ट से, प्राइमरी से MB प्लाऊ पूछा, सॉरी रिच प्लाऊ के बारे में पूछा हुआ था, रिच प्लाऊ में IBPS 2019 में है या 20 है मुझे कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन था रिच प्लाऊ, या ये प्राइमरी शायद अभी 20 की बात कर रहा हूँ मैं, 20 या 21 की मैं बात कर रहा हूँ, शायद 21 की बात कर रहा हूँ, वह प्लाऊ टर्म दे रखा था, ये प्राइमरी के लिए या सेकेंडरी के लिए है, ये क्वेश्चन शायद अभी का है, हाँ क्रॉप बोने से पहले जो ऑलवे एक्टिविटीज, ये बिल्कुल क्रॉप से लेकर जो बाद की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सेकेंडरी में आती हैं, बिल्कुल शुभम राइट। किसको श्वेता यादव हीरो, किसको हीरो बता रहे हो, यहां हम बात कर रहे हैं प्लाविंग, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया,
जो जिसके टर्म के सामने प्लाउ लग जाए, यहाँ पे भी प्लाउ दे रखा था, तो यहाँ कंफ्यूज था लोगों को और बहुत से लोगों ने क्वेश्चन को गलत किया था। मैंने भी पूछा था तो वो बता रहे थे यहाँ पे ये अलग ही प्रोसेस है, पता नहीं कौन सा फर्स्ट वाले में रीज तो बाद वाले में भी तो करते हैं। सीड कभी कभार रीज के साथ में भी क्या कर दी जाती है, सीड सोविंग करवा दी जाती है। तो रीज क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन रीज एक ऐसा कन्फ्यूजन वाला वर्ड है कि इसके साथ में प्लांटिंग भी तो करवा दी जाती है, कुछ मशीनें उसमें साथ साथ में प्लांटिंग करवा दी जाती है, ये कह सकते हैं सीड भी सोविंग करवा दी जाती है साथ साथ में। तो अगर सीड सोविंग उसके साथ में ही करवा रहे हैं तो उसको प्राइमरी में कैसे रखेंगे, तो ये बात भी उनकी भी सही है क्योंकि कन्फ्यूजन हर जगह है, तो वही कन्फ्यूजन अपन दूर करेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से, तो पहला टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, जिस इंस्ट्रूमेंट के बाद में प्लाउ लगा हुआ हो वो इंस्ट्रूमेंट किस में यूज होगा, या हल जिसको हिंदी में बोलते हैं, प्लाउ जिसको बोलते हैं, वो कौन से वाले में आएगा, प्राइमरी टिलेज में इंक्लूड किया जाएगा। आई होप समझ में आएगा, समझ में आ रहा तो कमेंट करते जाइए। मेरे को लाइक बहुत कम दिखते हैं, जितने व्यूज़ मिलते हैं उतने लाइक नहीं दिखते, फिर मन नहीं करता पढ़ाने का, ये चीज़ अच्छी नहीं है था। आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, मेरा तो कोई नहीं। चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से तरीके, देसी प्लाउ, डिस्क वाले प्लाउ, देसी वाले जो पहले बैल वगैरह से चलाए करते थे, या इसमें कह सकते हैं कि कैमल, जो ऊंट के थ्रू हम देसी वाले जो हल से जोता करते थे, वो प्लाउ किस में कैटेगरी में आएंगे, प्राइमरी में क्यों आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। रिज प्लाउ और ये कह सकते हैं एमबी प्लाउ, ये जो सारे प्लाउ किस में यूज़ किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, प्राइमरी टिलेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, देसी प्लाउ कौन सा होता है, रिज प्लाउ कौन सा होता है, इनमें एंगल क्या होता है, जो क्वेश्चन और आया है आईबीपीएस में उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। ओके, गुड गुड गुड, अगर समझ रहे हो तो वह अच्छी बात है, फिर चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमने दो इंस्ट्रूमेंट को या इम्प्लीमेंट्स को हमने रखा हुआ है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इससे बखूबी आप लोग जानते होंगे इसको क्या चीज़ है। यहाँ बात करें देसी प्लाउ, देसी प्लाउ जो ही हल जो पहले यूज़ किया जाता था, जिसमें बैल के थ्रू ये या फिर बफेलो के थ्रू, या ये कह सकते हैं कैमल या ऊंट के थ्रू जो यूज़ किया जाता था, ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा। अब इसकी एक बात और कर लेते हैं, जो भी कैंडिडेट यहाँ सुपरवाइजर के हैं वहाँ क्वेश्चन क्या आता है, इसलिए मैंने फ्रेम किया कि क्वेश्चन सुपरवाइजर में ये कुछ क्वेश्चन जो ये कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे वह बहुत इजी होंगे। अगर पूछा जाता है तो इनके नाम पूछ लिया जाएगा, अदरवाइज इंजीनियरिंग तो वैसे भी बिल्कुल नहीं है, लोग देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, किस पार्ट को क्या कहा जाता है, ग्रिप किसको कहा जाएगा, जो टॉप पार्ट जिसको पकड़ते हैं हाथ में, जिसको पकड़ते हैं उसको ग्रिप कहा जाता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन अपने को मैंने तो देखा नहीं है लास्ट 10 ईयर से कोई क्वेश्चन इसमें बन रहा है आईबीपीएस की अगर बात की, क्योंकि इतने सिली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हम बात कर रहे हैं बीम कौन से वाले पार्ट को कहा जाएगा, या वेज कौन से वाले पार्ट को कहा जाएगा, शेयर किस पार्ट को कहा जाता है, और बॉडी किस पार्ट को कहा जाता है। मैंने पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, प्लीज़ रिमेम्बर दिस। अब हम बात करते हैं, ये देसी प्लाउ है, प्लाउ का मतलब होता है हार्ड सोइल को, प्लाउ की अगर बात करें टर्म क्यों दिया गया है यहाँ पे, हार्ड जो भी सोइल होती है उसको तोड़ना, सबसे पहले कौन तोड़ता है, प्लाउ का काम होता है, किसको तोड़ता है, हार्ड सोइल को तोड़ता है। हार्ड कब हो जाती है, पहली हमने या तो क्रॉप ली हुई है उस पर, या ये कह सकते हैं बहुत दिनों से सोइल पड़ी हुई थी उसको, इसमें जम गई है ये सोइल, उसके एक हार्ड पन आ गया है उसको तोड़ रहे हैं, या सब सोइल होती है, सब सोइल किसको कहते हैं, कमेंट करके जल्दी बताइए, सब सोइल किसको कहते हैं, सब सोइलर क्या होता है, सब सोइल को तोड़ने के लिए किसको यूज़ करते हैं, तो सब सोइल को तोड़ते हैं। इनमें क्या होता है, इनकी गहराई डिफाइन होती है, कितनी गहराई तक ये हार्डपन को तोड़ते हैं, कितनी डीप ये जाते हैं। हम यही बात करते हैं डिस्क वाले प्लाउ, तो इसको नाम डिस्क क्यों दिया, देखिए डिस्क का मतलब क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको डिस्क कहा जाता है। पार्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ कितने डिस्क हैं, यहाँ 3 डिस्क हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा हाँ, ICR की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ नॉलेज तो लीजिए, जो जो क्वेश्चन आएगा तो ICR में यही आएगा, जो JRF में आता है वही, या सुपरवाइजर में।
अभी आ रही होगी, देखिए वॉइस आ रही है क्लियर। कोई बात नहीं, वो टेक्निकल एरर था, सेल डाउन हो गए थे बैटरी ये। हाँ माइक के सेल डाउन हो गए थे भैया, आवाज़ नहीं आ रही। अभी आ गई आ गई आ गई, ठीक। चलिए बात करते हैं, ये एक बार आप कंसीडर कीजिए कि हमने 3 वाले रखे हैं, इसमें 2 वाले भी आते हैं, 2 डिस्क वाले हैरो भी आते हैं, तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है? इसी पार्ट को हम कहते हैं डिस्क। अगर हम बात करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को डिस्क कहा जाता है। अब हम बात करें कितने डिस्क है इसमें? 3। ये किसके काम, किस लिए यूज़ किया जाता है? ये मेंटेन के लिए यूज़ किया जाता है। कितना इसको हम सोयल को हम काटना है, कितनी गहराई तक काटना है, जो इस अगर पार्ट को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। ये वाला जो पीछे वाला छोटी सी लगी हुई रहती है, दूसरा वाला पार्ट कितनी गहराई पर देना है, 2 क्वेश्चन IBPS में पूछे गए थे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस पार्ट से आया था जहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा टिल्ट एंगल क्या होता है, ये वाला पार्ट सुनो को, टिल्ट एंगल का क्वेश्चन पूछा हुआ है IBPS में, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्क है, प्लाउ क्या होता है उसके बारे में आप देखो भी जान गए होंगे। ये वाला डिस्क प्लाउ है, इसमें कितने डिस्क हैं? 3 डिस्क हैं। यहाँ पे कितनी डिस्क हैं? डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2, डिस्क नंबर 3। ये उसको मैनेजमेंट मेंटेन के लिए आता है कि इधर उधर ये भागे ना आप, तो इसके मेंटेन के लिए यूज़ किया जाता है। इसको डिस्क में काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सोइल को काटता नहीं है, पीछे वाला पार्ट। नहीं नहीं नहीं, सस्ता वाला नहीं है, बैटरी डाउन हो जाती है, सस्ता वाला क्या होगा? आप लोगों के लिए सस्ता वाला कौन यूज़ करेगा यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत वर्ड यूज़ किया आपने। चलिए आप लोगों को दिख रहा है, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा, नहीं लिया तो भी अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमने रिज प्लाउ की बात की जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, चलिए इसके बारे में भी। ये वाला रिज प्लाउ है और ये वाला कौन सा प्लाउ है? इससे भी ये वाला ट्रैक्टर से चलता है, आप लोग देख रहे होंगे इसको, ट्रैक्टर से चलता है। इस पार्ट, ये वाला पार्ट किससे चलता है, या ये इम्प्लीमेंट या जो हल होता है या प्लाउ होता है किससे चलता है? ये फर्स्ट हो गया और ये कौन सा हो गया? सेकेंड हो गया। ये किससे चलता है? एनिमल के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है। फ्री फायर एक, ये किसके थ्रू चला खींचा जाता है? ये एनिमल के थ्रू खींचा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रिज, इसको रिज क्यों कहते हैं, ये वाले पार्ट को रिज क्यों कहते हैं? देखिए रिज का मतलब क्या होता है, रिज का मतलब क्या होता है, ये अगर हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इस तरह का अगर आसे बनता है सोयल का, सोयल किस टाइप में है? सोयल अब लेवल टाइप में, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लेवल टाइप में है। अब अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे या इस इम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं तो सोयल किस टाइप में बन जाती है? बड़ा मज़े ले रहा है ये भी अस। इस टाइप में बन जाएगा, एक एक ये बन जाता है, इससे अगर खेस तो एक ये होगा, एक ही होगा। ये अगर 3 वाला पार्ट है तो आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे होगा क्लियर, ये क्या हो गए? 3 पार्ट से इसको बनाया गया है। अब जो इसका टॉप वाला पार्ट होता है, ये वाला जो इसका पार्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है? रिच। रिच का मतलब क्या होता है? अपर पार्ट। रिच का मतलब क्या होता है? तिकोना पार्ट। रिच का मतलब क्या होता है? टॉप पार्ट। रिच का मतलब क्या होता है? जो इसका जो बना हुआ टॉप पार्ट होता है, इसका मतलब रिच होता है। ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं? रिच कहा जाता है इस पार्ट को। या ये हो सकता है, इसको मैं दूसरे वे में ये भी डाल सकता हूँ, ये जो मशीन इसको बनाती है जिसमें पोटेटो भी ग्रो किया जाता है, या अभी प्रेजेंट में अपन और कौन सी क्रॉप लेते हैं, वेजिटेबल वगैरह भी हम ग्रो करते हैं, तो ये वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? अब समझ में आ गया होगा, आगे से आप कभी गलती नहीं करोगे। जो बाकी लोगों ने IBPS में गलती की है तो आई होप आप लोगों से ये कभी गलती नहीं होगी। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? रिज कहा जाता है, इसलिए रिज प्लाउ इसको बोला जाता है। ये चीज समझ में आई? धीरज गुड इवनिंग, इतनी लेट कैसे हो भैया, कर क्या रहे थे आप लोग? तो ये समझ में आया, ये IBPS का क्वेश्चन है। अब ये 20 या 21 दोनों में से किसी एक का है, मुझे याद नहीं है, शायद 21 का ही होगा। हम बात करते हैं, रिज आपको समझ में आ गया, हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। यहाँ बोला जाता है मोल्ड बॉल्ड प्लाउ, ये भी IBPS में पूछा गया, IBPS नहीं शायद, ये नेट का क्वेश्चन है किसी का। एक तो गर्मी इतनी है ना कि याद भी नहीं रहता कौन सा किसका क्वेश्चन है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राइमरी तो बार बार पूछा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट को टर्म दे देगा, प्राइमरी इनमें से कौन सा प्राइमरी है, इनमें से कौन सा सेकेंडरी है, तो ये टर्म दे दिया जाता है और उसमें से कोई सा भी एक इम्प्लीमेंट का नाम दे दिया जाएगा, बाकी और दूसरे जो दे दिए जाते हैं। तो ये बार बार इसमें से हर बार आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है, मैंने इसलिए इसको ब्रॉडली डिस्कस करने का सोचा। हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको एक टर्म अगर बात करें तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, एमबी प्लाउ। आपने देखा होगा बार बार एमबी प्लाउ, ये वाला ये भी आईबीपीएस का है, इसमें ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एमबी प्लाउ किस प्राइमरी सेक्शन है या सेकेंडरी टिलेज का पार्ट है या प्राइमरी का पार्ट है, एमबी प्लाउ, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं इसका मतलब, एमबी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसका इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा जो इसके जो तई जो दिख रही है या एक पार्ट में ही है, इस वाले पार्ट में नहीं है, इस उस वाले पार्ट में है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये कह सकते हैं कि एक वाले पार्ट में। मोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मोल्ड करना, आप लोगों ने बार बार बोलते भी होंगे इसको मोल्ड कर दो, मतलब इसको राउंड में डाल दो, इसको घुमा दो। तो यहाँ पे इसका वर्क क्या होता है, सोइल को काटकर एक साइड में पलट देता है, सोइल को काटा एक साइड में पलट दिया, सोइल इस तरह है उसको काट के पलट दिया, जैसे जैसे ये आगे जा रहा है सोइल पलटती जा रही है, आगे आगे जाता है सोइल पलटती। एक आता है तवे वाला, वो भी सोइल को पलटने का काम करता है लेकिन वो राउंड करता है, वो घूमता है, उसमें जो तवी आती है डिस्क जिसको बोला जाता है, वो डिस्क क्या होती है, घूमती है। ये चीज़ आपने देखी बखूबी नहीं देखी उसको फिर से बता देता हूँ, तवे डिस्क वाले में इसमें फ़र्क क्या है, डिस्क वाला वो डिस्क घूमती है, जैसे जैसे डिस्क घूमती है तो जो सोइल होती है वो पलटती है उठकर। इसमें क्या होता है, ये घूमता नहीं है, ये सिर्फ आगे खिसकता है और आगे खिसकने से सोइल इसका क्या होता है, थोड़ा सा राउंड शेप में होता है तो सोइल इससे पलट जाती है, इसीलिए इसको मोल्ड बोर्ड प्लाऊ बोला जाता है। इसी का टर्म है मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, और ये प्राइमरी में यूज़ किया जाता है, किसी सेकेंडरी में यूज़ नहीं किया जाता। सुपरवाइजर में भी आते इसमें से गुरु जी सर जी, हाँ सुपरवाइजर में हल्का कुछ पार्ट्स में से पूछ लिया जाता है कि हल ये किस टाइप का हल है, या इसमें हल्का कोई पार्ट को पूछ लिया जाएगा, शेयर कौन सा है। तो मैंने फर्स्ट में एक पिक्चर आपको दिखाई थी, वही इतना ही पूछा जाता है सुपरवाइजर में, ये इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट जैसे एग्रोनॉमी वाला है उसमें ये हल वगैरह है, उनमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें से पूछा जा सकता है हैरो या ये किस टाइप का है, ये टर्म इजी वाले पूछे जाएंगे, बाकी डीपली आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं है। धीरज, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा किस तरह सोइल को काट रहा है, काटने के बाद पलट रहा है, ये अपने आप में घूम नहीं रहा, ये टू वे इसको बोला जाता है, ट्रैक्टर घूम के आएगा तो इस साइड का यूज़ किया जाएगा, तो ये टू वे है, ये देख सकते हैं सिंगल वे है। आप लोगों को कंसीडर क्या करना है, मोल्ड का मतलब किसी चीज़ को मोल्ड कर देना, यहाँ वो डिस्क नहीं होती, डिस्क वाला काम भी मोल्ड का होता है लेकिन इस उसको क्या बोलते हैं डिस्क, क्योंकि उसमें काम किसका होता है डिस्क का, यहाँ वर्क किसका किया जा रहा है मोल्ड का, इसमें मोल्डिंग का ये वर्क किसका है, यहाँ डिस्क नहीं है तो इसको क्या कहा जाता है, मोल्ड बोर्ड। नमस्कार कृष्ण कुमार, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ये मैं फिर कहता हूँ ये आईबीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आईबीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसी तरह कंसीडर करना कि कौन सा वाला पार्ट पूछा गया, तो हो सकता है दोबारा किसी एग्जाम में पूछ लिया, पूछा वही जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है, पूछा वही जाएगा जो इंपॉर्टेंट होगा, तो इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है यहाँ, नहीं तो किसी और एग्जाम में पूछा जाएगा, हो सके दोबारा इसको रिपीट कर दिया जाए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ये कौन कौन से हो गए, प्लाउ की हमने जो बात की, प्लाउ कौन कौन से टाइप के प्लाउ यूज किए जाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, रिच प्लाउ की बात करें, मोल्ड बोर्ड प्लाउ की बात करें, या देसी प्लाउ की बात करें, या हम डिस्क वाले प्लाउ की बात करें, ये सारे जो प्लाउ होते हैं वो प्राइमरी टिलेज में यूज किए जाते हैं। आई होप आज के बाद में आप लोग यहाँ कभी एस टाइप की आप लोग गलती नहीं करोगे जो बाकी ने की। चलिए जो ज्योति ने बोला कि आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, चलिए धन्यवाद आपका, अच्छा लगा हमें भी सुनकर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पार्ट वो हो गया है प्लाऊ का वाला पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो वाला पार्ट हो गया, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, या कुछ टर्म और यूज किए जाते हैं, वर्टिकल सेक्शन क्या होता है, टिल्ट एक जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी पिछली बार, इसका क्वेश्चन है एओ की जो एग्ज़ाम लगी थी, सॉरी एओ की एग्ज़ाम हुई थी, वो एग्ज़ाम भी कभी कभी हुई थी सर, एओ का एग्ज़ाम कब हुआ था अपना, दिसंबर में था शायद, जैन को था क्या, एक तो मेरी क्या ना मेमोरी बहुत वीक हो गई है, बादाम खानी पड़ेगी मुझे।
एओ की एग्जाम में है टिल्ट एंगल क्या है, इसके हैरो का जो होता है डिस्क हैरो का, और टिल्ट एंगल किसका होता है, डिस्क हैरो का ही पूछा जाता है, सॉरी डिस्क प्लाउ का, डिस्क हैरो डिस्क प्लाउ दोनों का पूछा जाता है। यहाँ पे डिस्क प्लाउ का टिल्ट एंगल पूछा गया था, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज। बेस्ट टीचिंग है सर जी, बेस्ट टीचिंग महेश। चलिए हाँ, तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करते हैं नॉर्मल प्लाविंग क्या होती है। जैसे ज्योति ने बोला 15 सेंटीमीटर डेप्थ, अगर 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक हम क्या कर रहे हैं, प्लाविंग कर रहे हैं या सोयल को ल्यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, नॉर्मल प्लाविंग। इसी के टर्म में एक दूसरा और होता है, हम कहाँ तक सोयल को ल्यूज करते हैं किसी भी प्लाव के थ्रू, 40 सेंटीमीटर तक हम उसको ल्यूज करते हैं, और उसी को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, सब सोयलर की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि सब सोयलर से हम कितनी हार्डपन को तोड़ सकते हैं, 40 सेंटीमीटर के हार्डपन को तोड़ सकते हैं, किसके थ्रू, सब सोयलर के थ्रू। सब सोयलर क्या होती है, देखिए कैसे बनती है सब सोयलर, मुझे ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो है, वो तो आप लोगों को बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये मान लीजिए ये लैंड है, अपने पास में लैंड है। अब हमने क्या किया, बार बार 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 25 30 पे बार बार क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं इस सोयल को, क्या कर रहे हैं बार बार। ये कितनी गहराई है, इसको बोल सकते हैं हम 30 सेंटीमीटर। और ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट क्या कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। इससे जो नीचे वाले पार्ट में हमें जाना है, यहां तक का क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। तो बार बार सिर्फ इसी पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, प्लाविंग कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं बार बार इसी को। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसी ऊपर पार्ट में चलने की वजह से यहां पे हार्डपन, क्योंकि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो यहीं तक आएगा, यहीं तक इसमें घिसता रहेगा बार बार घिसने की वजह से। तो एक तो किसकी वजह से, सब जो सोयल हार्ड हो जाती है नीचे की, बार बार एक ही गहराई पे क्या करने से, इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं, कल्टीवेटर को यूज कर, इसलिए आप प्लाविंग करते हैं। प्लाविंग हमें एक या दो साल से प्लाविंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी गहराई से हमें सोयल को लूज करना होता है, उसको तोड़ना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लाविंग यूज करते हैं। प्लाविंग एक पार्ट ही किसका है, सब सोयल को तोड़ने का। ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। अब इससे क्या क्या नुकसान होते हैं हार्ड होने से, तो उसमें से क्या होगा, एक तो वाटर जो हमारा होता है, बारिश का पानी आता है, वो ज़्यादा वो नीचे नहीं जा पाता, वो फ्लो होके इसमें पानी तक तो फुल हो जाएगा, फिर यह हार्डपन की वजह से नीचे सैचुरेशन नहीं होता, डीप नहीं जा पाता, तो वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है, फिर वो क्या करता है, बहकर नदियों में नालों में चला जाता है, तो वाटर का लॉस हो जाता है। इसी तरह किसी किसी क्रॉप में डीप रूट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत डीप रूट जाता है, उस कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ तो हार्डपन है तो रूट डीप नहीं जाएगा, उसकी जड़ें गहराई तक नहीं जाएंगी, जब गहराई तक नहीं जाएंगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा। तो हमें बार बार क्या करने की रिक्वायरमेंट होती है, हमें प्लाविंग करने की रिक्वायरमेंट होती है, प्राइमरी ये कह सकते हैं कि प्राइमरी जो टिलेज होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है अभी, अक्षित चौधरी जी, अभी इतने लेट क्यों आ रहे हो चौधरी जी, कहाँ चले गए थे। चलिए तो हम बात कर रहे हैं, किस किस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्लाविंग में 15 सेंटीमीटर हम डेप्थ रखते हैं, नॉर्मल अगर प्लाविंग कर रहे हैं तो, चाहे वो प्राइमरी टिलेज कर रहे हो या सेकेंडरी टिलेज कर रहे हो, तो कितना रख सकते हैं, 15 सेंटीमीटर तक हम रह सकते हैं। 15 के बाद में बार बार 15 सेंटीमीटर पे अगर हम उसके प्लाविंग करते रहेंगे या कल्टीवेट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे का पार्ट, ये मान लीजिए 15 तक तो हम हमेशा कर रहे हैं, 15 सेंटीमीटर तो हर बार यूज कर रहे हैं, तो इसके नीचे का जो पार्ट होगा वो हार्ड हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें कौन सी सोइल वगैरह, जिसमें ये कह सकते हैं जिसका पीएच ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी हार्डपन आ जाता है यहाँ पे। तो बहुत सी रीज़न है हार्डपन होने का। यहाँ बात कर रहे हैं दूसरा, 40% डेप्थ कितनी लेनी चाहिए हमें, अगर हम किसी चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, हैरोविंग करना चाहते हैं, तो मिनिमम हमें 40 सेंटीमीटर तो लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम, आप देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, डेप्थ के बेसिस पे प्लाउ एंड सब सोयलर कहाँ तक वर्क करते हैं, मोर देन 40 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन आर कम अंडर प्राइमरी टिलेज। जो 40 सेंटीमीटर तक हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी किस में आती है, प्राइमरी टिलेज में। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइमरी 40 से
कम वाली प्राइमरी टिलेज में आती हैं, क्योंकि सेकेंडरी टिलेज भी वो तो 40 तो नहीं किया जाता, सेकेंडरी तो 15 से कम ही किया जाता है, 15 सेंटीमीटर तक ही लिया जाता है सेकेंडरी टिलेज को। तो ये कह सकते हैं कि हमें 40 सेंटीमीटर तक तो लेना ही होता है कम से कम साल में एक बार। तो इसको मतलब सब सोइलर की सहायता से या प्लाऊ की सहायता से हमें सब सोइलर या जो हार्डपन होता है सोइल में उसको तोड़ना चाहिए। क्यों तोड़ना चाहिए, उसके पीछे बहुत से रीजन आप लोग जानते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स की। टर्म्स की अगर हम बात करें, हिंदी मीडियम क्लास है, आपको किस में चाहिए? विपिन आपको किस में चाहिए? विपिन भारद्वाज आपको इंग्लिश में चाहिए? देखिए यहाँ पे रेशियो कुछ डिफरेंट है, हिंदी वाले ज़्यादा हैं या इंग्लिश मीडियम वाले। मैं हिंदी में तो क्लास नोट डाउन ये तो नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए मैं वेरी वेरी सॉरी। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं उसको, जिसको कोई दिक्कत है वो नोट डाउन कर सकता है। हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से और टर्म यूज़ किए जाते हैं, जब हम प्लाउइंग से रिलेटेड टर्म कौन से होते हैं या एग्जाम में कौन से पूछे जाते हैं या लास्ट 20 ईयर में पूछे गए हैं। बात करते हैं वर्टिकल सेक्शन और एक वो होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अब देखिए सेक्शन क्या होता है, किसी चीज़ को डिवाइड करना, काटना, पार्ट करना, उसी को सेक्शन कहते हैं। वर्टिकल आप लोग जानते हो, अगर उसको परपेंडिकुलर स्टाइक कंडीशन में अगर वो खड़ा है इस कंडीशन में है तो क्या कहा जाएगा, वर्टिकल। इन दैट कंडीशन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अगर इसको इस टाइप से काटा जाता है तो क्या कहला जाता है, वर्टिकल सेक्शन। इस टाइप से अगर उसको काटा जाता है तो क्या कहला जाएगा, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हिंदी में सर क्या चाहिए भाई, हिंदी में राजकुमार क्या चाहिए, हिंदी में बोल लूँ या हिंदी में नोट डाउन करवाऊँ? हम बात करते हैं या वर्टिकल सेक्शन की डेप्थ कंट्रोल इन किसके द्वारा, वर्टिकल सेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, डेप्थ को, गहराई को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। किसमें, एमबी प्लाऊ में। एमबी प्लाऊ में क्या किया जाता है, डेप्थ को कंट्रोल करना क्या कहा जाता है, वर्टिकल सेक्शन कहलाता है। अब हम यह वर्टिकल सेक्शन के थ्रू ही क्या किया जाता है, डेप्थ को कंट्रोल किया जाएगा। हम बात करते हैं सेकेंड की हॉरिजॉन्टल सेक्शन, इट हेल्प्स टू कट द प्रॉपर विड्थ ऑफ फेरो स्लाइस विद एमबी प्लाउ। देखिए यहाँ पे अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से मैं समझा देता हूँ। अगर जितनी गहराई पर हम जाते हैं, जितनी गहराई पर हम जाते हैं, किससे, एमबी जो प्लाऊ होता है उसकी गहराई को मेंटेन करते हैं, कितनी गहराई तक हमें काटना है। ऊपर एक सेक्शन लगा होता है हर इंस्ट्रूमेंट पे, हैरो पे भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, प्लाऊ पे भी होता है, ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, सेक्शन लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, मेंटेन करते हैं कि कितना गहराई पे जाना चाहिए या कितनी सोयल काट के एक बार में, एक बार अगर ट्रैक्टर चल रहा है तो कितनी सोयल हमें काटनी चाहिए, वो हमारे हाथ में होता है। हमारे समझ में नहीं आ रही सर, अच्छा इंग्लिश समझ में नहीं आ रही मुकेश, मैं हिंदी टर्म यूज़ कर रहा हूँ ना, आप लोग नोट डाउन तो कर सकते हैं। जैस नहीं, पॉसिबल नहीं है अशोक, पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं करवा सकता हिंदी में। मैं कोशिश करूँगा जितने, क्योंकि मैं, मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है, मुझे उसमें बहुत दिक्कत आती है। और अगर बात करें अपन दूसरी चीज़, ग्रेजुएशन के बाद में जितना भी आप लोगों को मिलेगा मटेरियल वो बेटर आपको इंग्लिश में ही मिल सकता है, हिंदी में बेटर नहीं मिलेगा, तो कोशिश कीजिए आप इंग्लिश की। बाकी अगर नहीं करना है तो मैं ये कोशिश ये बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर तो दोनों लैंग्वेज में फ्रेम होता है, तो मैं हिंदी टर्म यूज़ करता हूँ इससे रिलेटेड, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। डेफिनेशन मैं बोलता हूँ उस अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर सकते हैं, यही तो होता है, नोट्स बनाना क्या होता है, अपनी लैंग्वेज में आप नोट डाउन कीजिए। तो ये हो गया सेक्शन की हम बात कर रहे थे। अगर हम डेप्थ की बात करें तो ये किस एमबी प्लाउ में अगर डेप्थ को या गहराई को, डेप्थ को अगर हमें मेंटेन करना है वो तो वर्टिकल सेक्शन के थ्रू। क्वेश्चन अगर ऐसा है एमबी प्लाउ में हॉरिजॉन्टल को या डेप्थ को, ये कह सकते हैं एमबी प्लाउ में डेप्थ को मेंटेन करने को क्या कहते हैं या इस पार्ट्स को क्या कहते हैं, तो वर्टिकल सेक्शन। अगर हम बात करते हैं उसके एरिया को जो स्लाइस होती है या चौड़ाई को, इसमें विड्थ आपको दिखाई दे रही होगी, इस विड्थ को कहते हैं चौड़ाई, और इसको कहा जाता है डेप्थ को क्या कहा जाता है, गहराई। यही होगी गहराई, पता नहीं बाकी हिंदी में कुछ गलत हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी गलत हो सकती है भैया। हिंदी में पीडीएफ मिल जाएगा सर, पॉसिबल नहीं है भैया जयसवाल जी, पॉसिबल नहीं है हिंदी में। कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पे सर के पास में है तो बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी मैं तो इसके लिए ये कहूँगा क्षमा कीजिए मुझे। तो ये क्या होगी, गहराई होगी, ये क्या हो जाएगी इसकी, चौड़ाई। ओह
ठीक है। अगर उसको चौड़ाई में, कितना चौड़ाई में हमें काटना है तो वो किस में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में। कितनी गहराई तक उसको प्लाऊ को यूज करना है तो वो किस में आ जाएगा, वर्टिकल सेक्शन में। अब हम दो टर्म यूज और करते हैं बार बार, तो उसकी बात कर लेते हैं। एक टर्म होता है कहेंसन और एक टर्म होता है अधेंसन। इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले याद रहने के लिए, इसमें मुझे भी बहुत कन्फ्यूज हुआ करता था, मैंने भी क्वेश्चन गलत किए थे पहले, तो आज मैं क्यों ना ट्रिक ही बता देता हूँ। हाँ ज्योति सही बोल रहे हो, जो पढ़ाते तो लिख लिया करो ना अपनी लैंग्वेज में, भी यही कहना चाह रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे ये लोग, बोलो। जी की कोशिश करो ना, तो एक दो दिन में समझ में आ जाएगी। बाकी मुझे बोल दिया करो क्या टर्म यूज नहीं हो रहा है। अब देखो इनका मतलब तो मुझे भी नहीं है, प्लीज़ मुझे भी पता ही नहीं है हिंदी में इनको क्या कहते हैं। डेफिनेशन बता सकते हैं, सब चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में इनको कैसे करके इनकी डेफिनेशन लिख के लाऊँ मैं हिंदी में। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम बात करें कहेंसन की, आप सुपरवाइजर के तो नहीं है, BSc एग्रीकल्चर वाला ये नहीं बोलेगा मुझे हिंदी में नोट्स चाहिए। मुझे नहीं लगता अगर कोई बोलता है किसी अच्छी कॉलेज से अगर पढ़ा है, अगर पढ़कर उसने डिग्री ली है, तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा हिंदी में नोट्स चाहिए। सुरेंद्र बहुत सुंदर, क्या बोल, सुंदर किसके लिए, लिखा हुआ है या पढ़ाने को बोल रहे हो? अच्छा, ये सर ना आरपी सर अच्छे से समझते हैं आपको, आपकी भावनाओं को। अभी तो मैं नया नया हूँ ना, मुझे पता नहीं है। चलिए बात करते हैं कहेंसन का। देखिए इंग्लिश में एक टर्म है जिसके पहले अगर को लग जाए, को का मतलब ही होता है CO, कोई भी अगर स्पेलिंग है उससे पहला जो टर्म जिसको क्या कहते हैं प्रीफिक्स जो कहा जाता है उसके पहले CO लग जाता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ना, टुगेदर करना, एक साथ में करना। तो अगर दो सॉइल के पार्टिकल हैं, दो आपस में सॉइल के कण हैं, वो आपस में, दो सॉइल के, मैं क्या बोल रहा हूँ टर्म याद रखिए, दो सॉइल के कण हैं वो आपस में जुड़ते हैं, मतलब दोनों कण किसके हैं, सॉइल के हैं, दोनों पार्टिकल किसके हैं, सॉइल के हैं, वो आपस में जुड़ रहे हैं, उसको कहेंसन बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें सी हो है, इसमें का मतलब दो चीज़ें आपस में साथ जुड़ रही हैं। मैंने H2 रखा हुआ है यहाँ पे, आप लोगों को बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा H2, दैट मीन्स H2 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सॉइल प्लस सॉइल, ये आ चुका है एग्जाम्स के ही है। कहेंसन का मतलब क्या होता है, सॉइल और सॉइल के, दो सॉइल के जो पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं, डीके मिक्सिंग। बड़ी लेट हो रही है यार, गुड इवनिंग। अधेंसन का मतलब क्या होता है, टेंशन का मतलब होता है सॉइल का पार्टिकल, एक सॉइल का पार्टिकल, एक दूसरा होता है मेटल का पार्टिकल। मेटल आप लोगों को पता है क्या क्या होते हैं, बहुत से मेटल, चाहे लोहे का मेटल, लोहा के कण हो सकता है, सॉइल का और लोहा का कण आपस में चिपक जाए, मतलब एक कण सॉइल का होता है, दूसरा कण सॉइल का नहीं होता, उसके आपको वो किसी पार्ट का भी हो सकता है, उसको क्या कहा जाता है, अधेंसन। यहाँ पे सॉइल का और दूसरा मेटल दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, अधेंसन कहेंसन, दैट मीन्स सॉइल और सॉइल के पार्टिकल। यहां पे इसको ये कह सकते हैं सॉइल प्लस मेटल, ये दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ये लोग समझ में आया होगा, प्लीज इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें समझ में आया सभी को, सुरेंद्र एक्सीलेंट टीचिंग है, चलिए ठीक है, अच्छा लगा, आप लोग ऐसे कमेंट करते रहिए। ये आशीष ने क्या लिखा है, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखते हो यार, मैं पढ़ाऊंगा क्या, इधर देखूंगा, मीना क्या बात है, हाँ एग्रीकल्चर BSc वाले क्यों नहीं पढ़ा सकते, पढ़ा सकते हैं ना, पहले पढ़ो तो सही, उसके बाद में BSc वाले भी पढ़ा सकते हैं। ठीक ठीक है, चलिए यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया, हम कल डिस्कस करेंगे फिर से नए चैप्टर को, पहले इसके रिलेटेड टर्म होंगे, फिर हम प्राइम में जो सेकेंडरी टिलेज होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। आज समझ में आया आप लोगों को, बेटे पढ़ा सकते हो लेकिन इसको पढ़ाने के लिए पहले एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा खासा समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अंदर है क्या, उसमें किस चीज़ को क्या कहते हैं, पहले और भी नॉलेज चाहिए कि हाँ आप लोगों को कम से कम पेपर दे दिया है, बहुत से पेपर, किस टाइप से पेपर फ्रेम किया जाता है, किस टाइप से पूछा जाता है, क्या क्या गलतियाँ की होंगी,
टीचर बनना आसान तो नहीं है ना। अब मैं कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ तो वहाँ तो और ही डिफरेंट मिलते हैं, मुझे पीजी वाले पीजी लेवल को पढ़ाना पड़ता है तो वहाँ और डिफरेंट मिलता है। तो सब जगह बाकी क्यों नहीं करवा सकते, बीएससी वाले करवा सकते हैं अपने लेवल पे। कोचिंग में तो नहीं मिलेगा आपको बीएससी वाले कहीं पे भी, सुपरवाइजर में, सुपरवाइजर वालों को तो पढ़ा सकते हैं बीएससी वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आइए नाबार्ड लेवल की, आईबीपीएस लेवल की, AO EE की क्लासे उसी लेवल की चल रही हैं, तो वहाँ पे फिर बीएससी वाला तो पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को तो मास्टर तो करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, सुपर क्लास तो ओके, कल बढ़िया बढ़िया, आप लोग लाइक कीजिए, फिर कल मिलते हैं कल की क्लास में, ओके बाय।